भारतीय संस्कारों में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का जरिया है। हमारे देश में गंगा को एक पूजनीय नदी माना जाता है और इसे माँ का दर्जा दिया गया है। माँ गंगा के प्रति देश के लोगों की आस्था बहुत गहरी है। अगर कोई व्यक्ति गंगा के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो हमारे देश में दंगे हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी पूजनीय माँ गंगा को हमने एक नाला बनाकर छोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि देश के लोग आज भी अपने घरों में गंगा जल को किसी बर्तन या बोतल में भरकर बड़ी पवित्रता के साथ रखते हैं। पूजा पाठ के दौरान बड़ी शुद्धता के साथ गंगा जल का आचमन किया जाता है। लेकिन आपको ये सुनकर झटका लगेगा कि जिस गंगा जल से आप आचमन कर रहे हैं वो डुबकी लगाने के लायक भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बीमार हो सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने गंगा में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। CPCB के मुताबिक गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश के शहरों से गुजरती है तो उसमें प्रदूषण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे खराब हालत इलाहाबाद के संगम तट पर है, जहां गंगा नदी में यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा नदी में एक खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर सामान्य से 10 गुना ज्यादा पाया गया है। ये बैक्टीरिया सीवर के गंदे पानी में पाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि गंगा नदी का प्रदूषण किस स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे देश के ज्यादातर इलाकों में सीवर का पानी को बिना सीवर ट्रीटमेंट के गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है और इसी से ये खतरनाक बैक्टीरिया गंगा नदी में पहुंच जाता है। गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी से गुजरती है तो इस बैक्टीरिया का स्तर सामान्य से 16 गुना ज्यादा हो जाता है। यानी इन शहरों में गंगा की पवित्रता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इलाहाबाद और वाराणसी देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में गिने जाते हैं। इन शहरों से गुजरने वाली गंगा नदी में लाखों लोगों की आस्था होती है और लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों के पाप धोने वाली गंगा अब एक नाला बन चुकी है और नाले में डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं बीमारियां मिलती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बैक्टीरिया वाले इस प्रदूषित पानी के इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और सबसे ज्यादा खतरा हेपेटाइटिस ए नामक बीमारी का होता है। CPCB की रिपोर्ट में गंगा नदी के प्रदूषण का सबसे कम स्तर उत्तराखंड में है। अगर आपको पवित्र और शुद्ध गंगा जल की तलाश है तो आप उत्तराखंड जा सकते हैं। यह अजीब विरोधाभास है कि हमारे देश में गंगा को एक पूजनीय नदी माना जाता है। इस आधार पर गंगा को साफ और पवित्र रखने की जिम्मेदारी देश के हर व्यक्ति की है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश का भ्रष्ट सिस्टम गंगा की सफाई के नाम पर अपनी जेबें भरता आया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक साल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गंगा की सफाई के लिए 39,226 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा साल 2011 में भी वर्ल्ड बैंक गंगा की सफाई के लिए भारत सरकार को 6,500 करोड़ रुपए का लोन दे चुका है। इसके बाद 2015 में भी एनडीए की सरकार में नमामि गंगे परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, जिसमें करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन गंगा की हालत देखकर लगता है कि योजनाओं का लाभ गंगा तक पहुंच नहीं पा रहा है। 21वीं सदी के भारत की दुखद तस्वीर यही है कि सदियों तक करोड़ों लोगों को मोक्ष दिलाने वाली गंगा आज खुद ही अपनी हालत पर आंसू बहा रही है।